बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में हर दिन नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बिहार की नीतीश सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार से लेकर रिया चक्रवर्ती तक बिफरी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सीबीआई जांच के खिलाफ क्यों है रिया चक्रवर्ती। दरअसल सुशांत सिंह मौत मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश के बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपना मुंह खोला है। रिया ने बिहार सरकार की ओर से की गई सीबीआई जांच की सिफारिश पर सवाल उठाए हैं। रिया के वकील के मुताबिक बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकती, साथ ही बिहार पुलिस को भी इस मामले में जांच करने का अधिकार नहीं है। इसके पहले रिया पटना पुलिस की जांच की वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। आपको बता दें कि इन दिनों रिया चक्रवर्ती पटना पुलिस की जांच से बचने के लिए परिवार समेत लापता है। मुंबई में पटना पुलिस नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वो सामने नहीं आ रही। दिलचस्प बात तो ये है कि पूरे मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार रिया के साथ कोर्ट में खड़ी दिखाई दे रही है, जिसके बाद रिया को लेकर अब बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के आला अधिकारी भी आमने सामने दिख रहे हैं। बहरहाल अब बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश की वैधता को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन रिया के वकील के इस सवाल के साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर रिया चाहती क्या है, मामले की सीबीआई जांच को लेकर उसे आपत्ति क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट।